अब हम अपने आखिरी सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम आखिरी पांच मुहावरात, उनके मानी और उनकी जुमला साजी सीखेंगे। आखिरी सिलसिले के मुहावरात और उनके मानी ये हैं: आटे में नमक होना, आटे में नमक होना, इसका मानी है बहुत कम होना। अगला मुहावरा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका मानी है अपना नुकसान खुद करना। आए बाएं शाएं करना, आए बाएं शाएं करना, इसका मानी है बात को गोल करना। अगला मुहावरा, हाशिया चढ़ाना, हाशिया चढ़ाना, जिसका मानी है बात को बढ़ाकर बयान करना। आखिरी मुहावरा, गले का हार होना, गले का हार होना, इसका मानी है हर वक्त साथ रहना, तकलीफ का बायस होना। तो चलिए अब हम जुमला साजी की तरफ बढ़ते हैं। पहला मुहावरा है आटे में नमक होना, जिसका मानी है बहुत कम होना। चंद इशारात जो हमें जुमला साजी में मदद देंगे वो हैं, क्या चीज़ बहुत कम है और कहाँ पर बहुत कम है। तो जुमले की तरफ बढ़ते हैं हम। जुमला है, देहात में अंग्रेजी मीडियम स्कूल आटे में नमक के बराबर होते हैं। इसी तरह एक और जुमला, दुनिया में ईमानदार लोग आटे में नमक के बराबर हैं। मेरी अम्मी खाने में मसाले आटे में नमक के बराबर डालती हैं। हमारा अगला मुहावरा है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका मानी है अपना नुकसान खुद करना। इसको जुमले में इस तरीके से बताया जा सकता है, किसान ने अपनी फसल का ध्यान ना रख कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। तालिब इल्म ने पूरा साल पढ़ाई ना करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। हमारा अगला मुहावरा है आएं बाएं शाएं करना, इसका मानी है बात को गोल करना। इसको जुमला साजी में हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अम्मी ने उमर से टेस्ट के नंबर पूछे तो उसने आएं बाएं शाएं शुरू कर दी। छोटे बच्चों से सवालात पूछे जाए तो वो अक्सर आएं बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं। हमारा अगला मुहावरा है हाशिया चढ़ाना, जिसका मतलब है बात को बढ़ाकर बयान करना। जुमला साजी में इसे इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटे बच्चे छोटी सी लड़ाई को हाशिया चढ़ाकर बयान करते हैं। इसी तरह एक और जुमला इस मुहावरे का ऐसे बन सकता है, आजकल मीडिया हर मसले को हाशिया चढ़ाकर बताता है। हमारा आखिरी मुहावरा है गले का हार होना, जिसका मानी है हर वक्त साथ रहना या तकलीफ का बायस होना। इसका जुमला इस तरीके से बनाया जा सकता है, आयशा और हिना की दोस्ती इस कदर पक्की है कि दोनों एक दूसरे के गले का हार बनकर रहती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन मुहावरात की मश्क अपने घरों में ज़रूर करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।